हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, मैंने अस्तर वाली ब्लाउज लिया है और ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो हम इस ब्लाउज की कटिंग हम करेंगे 36 साइज का बेल्ट ब्लाउज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये मेन फैब्रिक जो है इसे साइड में रखेंगे। पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर, कोई भी ब्लाउज हमें सिलना होता है अस्तर वाला, तो पहले हमें अस्तर पे ही कटिंग करना होता है। तो ये देखिए हमारा अस्तर, अस्तर को हम इस तरह खोल के डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो ये देखिए, ये लंबाई है और ये देखिए, ये इस तरह से डबल फोल्ड है। हमारा अस्तर लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है हमने। अब इसके बाद में हम इसमें कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ भी डिटेल में जानना हो अच्छे तरीके से, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो को देखने से आप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छे तरह से जान जाएंगे। तो ये देखिए हमारा अस्तर है, इसमें हमें बैक पार्ट कहाँ पे कट करना है और फ्रंट पार्ट कहाँ पे कट करना है ये बताना है, क्योंकि इसमें भी एडजस्ट करना होता है। ये यहाँ पे बैक पार्ट, यहाँ पे फ्रंट और यहाँ पे स्लीव हम कट कर सकते हैं। और एक भी और तरीका है कि यहाँ पे हम बैक पार्ट, यहाँ पे फ्रंट और इधर स्लीव कट कर सकते हैं। तो किधर से भी कट कर सकते हैं, एडजस्ट हो सकता है इतने में। ये 80 सेंटीमीटर हमारा अस्तर है। तो पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम लंबाई लेंगे यहाँ से। तो देखिए, हम यहाँ पे लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारा तैयार है 13 इंच। तो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से टेप रखेंगे और 14 इंच देखिए नीचे साइड 14 इंच हमारा आ रहा है। अब ऊपर साइड हमें निशान लगा लेना है, यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में सबसे पहले लंबाई लेते हैं। यहाँ से देखिए हमने लंबाई लिया। अब यहाँ से हम लेंगे कंधा। तो कंधे की अब हम मार्किंग करेंगे। तो कोई भी नॉर्मल ब्लाउज की कंधे की जो लंबाई है, चौड़ाई, वो 5.5 इंच होता है, और ज़्यादा अगर चाहिए तो 6 इंच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच मैंने कर लिया है। 5.5 इंच पर निशान लगा के इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। जितना हम कंधा लेते हैं उतना ही आर्म होल लेंगे। तो 5.5 इंच हमने कंधा लिया है, तो यहाँ पर आर्म होल भी हम 5.5 इंच पर ही लेंगे। तो इस तरह से देखिए 5.5 इंच पर निशान लगा के, और यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इस तरह से लाइन खींच लेंगे इधर, और यहाँ पे लाइन खींचने के बाद में भी इधर भी हम खींच लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए बॉक्स के आकार का बन जाएगा। अब हम इसके बाद में चेस्ट लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए हम क्या लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लंबाई लिया, फिर यहाँ पर कंधा ले लिया। अब यहाँ पर आर्म होल लेंगे। अब आर्म होल लेने के बाद में सीधा लाइन खींच लेंगे, फिर हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा जितना होता है उसका चौथा भाग निकालना है। तो चेस्ट जैसे कि हमारा है 36 इंच, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 36 इंच ये है। 36 इंच का चौथा निकालना है। तो चौथा अगर उसका गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से टेप को फोल्ड करना है। फोल्ड करके देखिए 36 पे मिलाएंगे, फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये वाला भाग हमें यहाँ मिला लेना है। तो इस तरह से इसका चौथा भाग निकल आएगा। तो चौथा भाग आएगा हमारा 9 इंच, और 9 इंच आएगा इसका। देखिए 36 का चौथा भाग आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें यहाँ 9 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद में हमें अब एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन चाहिए। तो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ निशान लगाने के बाद में हम कमर का मार्क करेंगे। तो कमर हम यहाँ से लेंगे। तो कमर के लिए हम क्या करेंगे, कमर का चौथा भाग निकालेंगे, जैसे चेस्ट का चौथा भाग हमने निकाला है। तो जैसे कि हमारा कमर है 32 इंच, तो 32 का हमें चौथा भाग निकालना है। तो यहाँ पे देखिए टेप हम इस तरह से, यहाँ पे देखिए 32 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब 32 को भी उसी तरह से टेप को फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमारा दूसरा भाग निकल आया। अब इसके बाद में एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह फोल्ड करने से हमारा चौथा भाग निकल आएगा। वैसे भी आप पहाड़ा भी कर सकते हैं, 8 × 32 तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 आ गया चौथा भाग। तो यहाँ पे हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे कमर का। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 8 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे टक्स के लिए, जो हमें बैक में दोनों साइड टक्स लगाना होता है पकड़ के सिलने के लिए यहाँ पे। तो उसके लिए हमने 1 इंच ले लिया है। अब यहाँ पे हम 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, जैसे ऊपर साइड हमने लिया है 2 इंच सिलाई मार्जिन, वैसे ही नीचे साइड। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है। ये हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हमारा फिटिंग का लाइन है, उसे भी खींच लेंगे।
अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो देखिए पहले हमने लंबाई लिया, फिर कंधा लिया, अब फिर कंधा के बाद आर्म होल लेंगे, सीधा लाइन खींच लेंगे इधर। अब इसके बाद में चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट का चौथा भाग भी हमने लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। उसके बाद में कमर लिया है, कमर हमारा 32 इंच, उसका चौथा 8 आएगा, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे इतना हमारा हो गया है। अब इसके बाद में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, ये देखिए आर्म होल, उसके बाद नेक का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा यहाँ पे निशान लगेगा, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पर लेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल की गुलाई जो है 1.5 इंच लेना है और फ्रंट में 1 इंच, क्योंकि बैक में हमें आर्म होल ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम आर्म होल का निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें कहाँ से निशान शुरू करना है तो देखेंगे, इसका हमें आधा निकालना है आर्म होल साइड। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 5.5 इंच पर है, अब हमें इसका आधा निकालना है। तो टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा जो है आर्म होल का आधा है। अब हम गुलाई के लिए यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ मिलाएंगे, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से हमें इस निशान से मिलाना है, फिर यहाँ मिलाना है। तो देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है, गुलाई दे देना है आर्म होल का। तो यहाँ पे देखिए हमारा आर्म होल हो गया। अब इसके बाद में हम गले का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा गले का निशान लगेगा। तो गला है हमारा, गले का चौड़ाई हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच। नॉर्मल सभी का 2.5 इंच ही लिया जाता है, अगर कोई ज़्यादा दुबला पतला है तो 2 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच मैंने लिया है। अब लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 7 इंच लेंगे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 8 या 9 या 10 कितना भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा गला वाला नहीं बना रही हूँ, तो 7 इंच पर ही लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं 7 इंच पर निशान लगाया है, इस तरह से 7 इंच पर निशान लगा के लाइन खींच लेंगे ऊपर साइड, और उसके बाद में इधर भी हम लाइन खींचेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद में अब इसमें भी हमें गोलाई देना है। तो गोलाई के लिए हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। तो उससे भी अगर हमें पता नहीं चला कि कैसे गोलाई देना है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच कोने से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में हम इस तरह से देखिए इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरह से गोलाई निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सब हो गया है, बस हमें यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाना है। तो टक्स के लिए हमें यहाँ साइड से, गले के साइड से 4 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ देखिए ये गला है, गले के साइड से हमें लगाना है, तो यहाँ से 4 इंच। अब यहाँ लंबाई जो लेंगे वो भी 4 इंच लेंगे हम, 4 या 5, जिस तरह से ब्लाउज का लंबाई हो उतना आप लंबाई उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ही ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबाई ब्लाउज का नहीं है। अब यहाँ पे सिलने के लिए जो पकड़ के जितना सिलना है हमें टक्स बनाना है, तो हमने 1 इंच लिया था, तो आधा हमारा लाइन पे रहेगा। तो दोनों साइड हम 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में इस तरह से तिरछा ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से जिस तरह हमें जिस पे हमें सिलाई लगाना है उसी तरह हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमें इसे पकड़ के सिलना है। तो देखिए यहाँ हमारा बैक पार्ट की मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो मार्जिन हमने लिया है उसी से हम कट स्टार्ट करेंगे, ये वाला, यहाँ से हमें कट स्टार्ट करना है और ये आर्म होल तरफ से लेके उधर निकल जाना है। तो ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से देखिए हमें कट लगाना है, काटना है, और उसके बाद में आर्म होल का गुलाई जो दिया है हम यहाँ से गुलाई करते हुए इस तरह से काट लेंगे, और इधर नेक हम नेक की तरफ से निकल जाएंगे। इसके बाद में हम इसे साइड में रखेंगे बचे हुए अस्तर को, और इसका नेक भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक भी कट कर लिया है। अब ये जो हमारा टक्स है इसे हमें दूसरे साइड भी निशान लगाना है यहाँ पे। तो दूसरे साइड निशान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से खोल के दूसरे साइड पलट के थपथपा देंगे, ताकि दूसरे साइड भी इसका निशान का जो छाप है वो लग जाए, फिर उसे हम गाढ़ा कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फोल्ड करके इसे इस तरह से थपथपा देना है। थपथपाने के बाद में हम इसे खोलेंगे, और इस तरफ से देखिए इस तरफ भी निशान लग गया है। तो इस तरफ हम चौक से गाढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे साइड भी निशान लगा लिया है, ये हमारा टक्स हो गया है। अब अस्तर का हमारा बैक पार्ट जो है वो कट हो चुका है, अब हम इसे साइड में रखेंगे, फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए हम बचे हुए अस्तर को लेंगे, ये देखिए हमारा बचा हुआ अस्तर है। तो यहाँ से हम देखिए यहाँ पे आगे का कट करेंगे और इधर बाजू निकल आएगा। तो अब यहाँ पे हम फ्रंट का लंबाई लेंगे, तो उसके लिए हम पीछे जितना लिया है हमने उससे 1 इंच ज़्यादा हमें आगे का लेना होता है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमने देखिए कितना लिया था, तो यहाँ से नापेंगे। देखिए बैक पार्ट हम यहाँ पे 14 इंच हमने पीछे का लिया है, तो हमें आगे का 15 इंच लेना है।
एक इंच ज़्यादा बेल्ट ब्लाउज में लेना होता है। तो यहाँ से देखिए हम आगे का फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे 15 इंच पर लंबाई लगा लेंगे निशान यहाँ पे इस तरह से। लंबाई का निशान लगाने के बाद में अब हम कंधा लगाएंगे। तो ये देखिए ये लंबाई हो गया। अब यहाँ पे लंबाई के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधा इंच पर निशान लगाएंगे हुक पट्टी आई पट्टी के सिलाई मार्जिन के लिए। तो ऊपर से देखिए यहाँ से हम आधा इंच पर निशान लगा लेंगे पहले, और नीचे साइड भी आधा इंच पर निशान लगा लेंगे ताकि जो हमारा लाइन है वो एकदम सीधा बने। इस तरह निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पे इस तरह से टेप रख के सीधा लाइन खींच लेंगे पहले। इस तरह से क्या होता है, इस तरह लाइन खींचे रहते हैं ना, तो इसको छोड़ के फिर हम बाकी का मार्किंग कर सकते हैं। और अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, तो हमारा जो ब्लाउज है थोड़ा आगे साइड का कम हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लाइन खींच लिया है। अब यहाँ पे इसे छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के हमें बाकी का निशान लगाना है। तो इस लाइन को छोड़ के हम यहाँ पे देखिए निशान लगाएंगे कंधे का। तो कंधे के लिए हम यहाँ पे यहाँ से इस लाइन को छोड़ के 5.5 इंच पर लगाएंगे, जैसे कि हमने पीछे वाले में लगाया है 5.5 इंच पर, उसी तरह आगे भी हम लगाएंगे 5.5 इंच पर। अब यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल जो है वो हमारा ये भी 5.5 इंच पर रहेगा, और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट भी हमारा जैसे कि है 36 इंच, उसका चौथा भाग होता है 9 इंच। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन को छोड़ के ही हमें 9 इंच पर निशान लगाना है। तो ये देखिए हमने लाइन छोड़ के टेप रखा है। अब यहाँ से हमें निशान लगाना है 9 इंच पे। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद में हम आधा इंच टक्स के लिए लगाएंगे, जो ऊपर साइड टक्स बनाते हैं यहाँ पे जो टक्स बनाते हैं उसके लिए हम आधा इंच लेंगे। उसके बाद में 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11.5 इंच पर हमारा सिलाई मार्जिन आ रहा है। अब इसके बाद में हम सेम इसी तरह कमर लेंगे। तो कमर भी हम ये वाला जो लाइन है ये लाइन छोड़ के ही लगाएंगे निशान। तो यहाँ पे देखिए लाइन के ऊपर ही हम रखेंगे, लाइन के ऊपर रख के कमर का निशान लगाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से देखिए हमारा कमर है 32 इंच, तो उसका चौथा भाग होता है 8 इंच। तो 8 इंच पर लगाएंगे यहाँ पे हम निशान कमर के लिए। ये देखिए यहाँ पे 8 इंच हो गया। अब यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे टक्स के लिए, जो यहाँ पे पकड़ के सिलते हैं नीचे साइड टक्स, उसके लिए 2 इंच लेंगे। अब इसके बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन, जैसे कि हम सब में लेते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, ये देखिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, ये हमारा जो है एक्स्ट्रा मार्जिन वाला पॉइंट है। उसके बाद में ये वाला हमारा फिटिंग वाला है, ये फिटिंग इसका तिरछा आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये यहाँ से देखिए यहाँ पे कम है, ये इधर ज़्यादा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए टक्स ट्रस के लिए बस आधा इंच लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें कम पकड़ के सिलना है, और यहाँ पे 2 इंच लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा पकड़ के सिलना है। ऐसा सिल देंगे तो ये हमारा खुद ही तिरछा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा निशान देखिए लग गया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे, पीछे हमने 1.5 इंच लिया था, तो फ्रंट में हमें 1 इंच लेना है क्योंकि फ्रंट में हमें कम लेना होता है, थोड़ा डीप लेना होता है। तो यहाँ से देखिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसका भी आधा हमें निकालना है, तो जिस तरह से हमने पीछे वाला निकाला था, टेप को इस तरह से रख के 5.5 इंच पर फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमारा आधा निकल आया सेंटर। अब यहाँ से हमें यहाँ पे देखिए यहाँ से गुलाई देना है, इसमें मिलाना है। तो इस तरह से गुलाई देते हुए हम इसमें मिला लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का ये गुलाई हो गया है। अब यहाँ पे हमें हमारा बाकी का मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे। तो ये वाला लाइन जो है इसे छोड़ के हमें नेक पे 2.5 इंच का चौड़ाई देना है। तो ये देखिए 2.5 इंच पर हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें नेक का लंबाई लेना है, तो फ्रंट नेक में हमें 5.5 इंच लेना है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो 6 इंच ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच पर मार्क करके सीधा लाइन खींच लेंगे, और इधर भी लाइन खींच लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें भी हमें यहाँ पे 1/2 इंच निशान लगा के गुलाई दे देना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम गुलाई दे देंगे। तो ये देखिए अब हमें टक्स निकालना है। तो टक्स के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारा ये है टक्स, हम ऊपर से टेप रखेंगे, ऊपर से हमें 10.5 इंच पर निशान लगाना है पहला टक्स के लिए। अब यहाँ पर हमने 10 इंच पर 10.5 इंच पर निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें देखना है यहाँ पे 2 इंच पर निशान लगा के कि कितना हमारा बेल्ट के लिए बचेगा। उससे पहले हम साइड से यहाँ पे 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए
4 इंच पर यहाँ पे है, लंबाई हमारा 10.5 इंच साइड से 4 इंच, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि इतना हमें पकड़ के सिलना है। यह हमारा जो है पहला टक्स है। अब इसके बाद में बेल्ट के लिए देखेंगे कि कितना हमारा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमने टक्स के लिए लगा लिया है। अब यहाँ पे बेल्ट देखेंगे तो बेल्ट हमारा जो है यहाँ पे 2.5 इंच बच रहा है, तो 2.5 इंच यहाँ है तो हमें इतना 2.5 इंच ही यहाँ पे करना है, तो 2.5 इंच हमने कर लिया है। अब इसके बाद में हमें इधर साइड 0.5 इंच ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पे 2.5 इंच वहाँ था, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच से 2 पॉइंट जो है कम करेंगे, तो 0.5 इंच ज़्यादा लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद में देखिए 2.5 इंच आए हैं, तो यहाँ भी 2.5 इंच ही रहेगा इस तरह से। अब इन्हें मिला लेना है, तो इसे मिलाने के लिए देखिए इस तरह से थोड़ा यहाँ पे गोलाई, अंदर तरफ गोलाई करते हुए मिला के फिर इसे सीधा मिला लेंगे इधर। ये हमारा बेल्ट आ गया, ये हमारा बेल्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला टक्स है। अब इसी टक्स के अकॉर्डिंग हमें बाकी के 3 टक्स बनाने हैं, तो यहाँ पे देखिए इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। ये हमारा पहला टक्स है। अब यहाँ से हमें 2 इंच पर इधर मार्क करना है, तो टेप को देखिए इस तरह से रखेंगे, थोड़ा तिरछा टेप रखेंगे और यहाँ पे कोने पे निशान लगाएंगे 2 इंच पे। तो यहाँ से देखिए 2 इंच पे हमें निशान लगाना है, और यहाँ पे ये हमारा दूसरा टक्स का पॉइंट हो गया। दूसरे टक्स के पॉइंट के लिए फिर यहाँ पे हम सीधा लाइन खींच लेंगे, तो ये देखिए ये हमारा दूसरा टक्स निकल आया। आप इसमें भी इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 इंच है, तो यहाँ से भी हमें 2 इंच पर निशान लगाना है, 1.5 या 2 इंच कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम थोड़ा तिरछा टेप रखेंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमें 2 इंच पर चौथे टक्स के लिए निशान लगाना है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए हमारा चौथा टक्स भी आ गया, तीसरा टक्स भी आ गया। अब चौथे टक्स का इधर देखेंगे कहाँ पे हमें करना है, तो 0.5 इंच पर इधर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में इसको मिला लेंगे, ये हमारा चौथा टक्स है। और तीसरा टक्स भी हम देखेंगे कि हमें इधर किधर मिलाना है। तो ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच का इस तरह से निशान लगा के फिर इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे, तो ये हमारा तीसरा टक्स है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारा चारों टक्स बन गया है। अब यहाँ पे भी हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। इस तरह से लाइन खींचने से क्या होता है कि हम टक्स की सिलाई लगाते हैं, तो हमारा हमें पता रहता है कि हमें सिलाई यहाँ पे ख़त्म करना है। तो अब हमें इसमें बताना है आपको कि यहाँ पे हमें कितना कितना पकड़ के सिलना है। तो ये देखिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो यहाँ पे 1 इंच जो है हम बीच पे रखेंगे और यहाँ साइड में लगाएंगे, फिर यहाँ 2 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा 2 इंच जो है वो दब जाएगा। अब इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेंगे, कोने पे ऊपर साइड हमें कोने पे ही करना है, और इधर बाकी हमें 1-1 इंच दोनों साइड से दबा लेना है। तो ये 2 इंच हम इस तरह से पकड़ के सिल लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हम इतना पकड़ के सिल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 इंच दब जाएगा, और इधर इसीलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसी के लिए कि अगर दब जाए तो इधर कम ना पड़े, बाद में फिटिंग करते टाइम कम नहीं पड़ेगा अगर इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेंगे तो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे कितना सिलना है, तो यहाँ पे हमें दोनों साइड से 1.5 इंच ही सिलना है, आधा का आधा इधर लगाएंगे निशान और आधा का आधा इधर लगाएंगे। तो समझ लीजिए कि 0.5 इंच इधर दबेगा दोनों साइड से, दोनों साइड मिला के हमें 0.5 इंच पकड़ के सिलना है। तो इस तरह से इसमें भी निशान लगा लेंगे। देखिए अगर हाथ से नहीं बन रहा है तो हम टेप से ही सीधा इस तरह से रख के निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों साइड से इसे इतना पकड़ के सिलना है। अब सेम जितना इसमें हमने हमें पकड़ के सिलना है उतना है इन दोनों में भी पकड़ के सिलना है। तो तीसरे नंबर वाले टक्स पे भी निशान लगा लेंगे सेम उसी तरह से, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, आधा इंच इसमें भी दबाना है हमें। तो इसमें भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो न्यू सिलाई वाले हैं, जो नए हैं, बिगनर्स है, वो इस तरह से निशान लगा सकते हैं, और बाकी जो मतलब पहले से सिल रहे हैं वो तो अपने हिसाब से खुद ही पकड़ के सिल लेते हैं। तो यहाँ के हिसाब से इधर भी हमें 0.5 इंच सिलना है, मतलब 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच दूसरे साइड, दोनों मिला के 0.5 इंच हमें सिलना है। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों पे निशान लगा लिया है कि हमें कितना इसको दबाना है। अब इसे इसका हमारा जो है मार्किंग हो चुका है, अब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए इतना कट करने के बाद में हम यहाँ पे जो बेल्ट है हमारा उसे कट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से बेल्ट कट कर लेंगे। बेल्ट कट करने के बाद में यहाँ पे हमारा जॉइंट है, तो इसे भी कट कर लेंगे। यहाँ पे अब हमें नेक कट करना है।
तो इस तरह से देखिए नेक को गोलाई में कट करेंगे। कट करने के बाद में ये भी ज्वाइंट है, तो इसे भी कट करके निकाल लेंगे। अब हमें ये वाला निशान जो है दूसरे साइड भी लगाना है। तो ये देखिए हमारा दूसरे साइड दिख रहा है। अब इसी के ऊपर हमें गाढ़ा कर लेना है चौक से। तो सेम इसी के ऊपर हमें निशान लगा लेना है दोनों तरफ से, मतलब चारों टक्स पे। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर का है और ये बेल्ट। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब इसके बाद में हमें स्लीव की कटिंग करनी है, तो स्लीव भी हम कट करेंगे पूरे डिटेल के साथ। तो ये देखिए बचा हुआ अस्तर है, यहाँ पे हमें स्लीव को निकालना है। तो देखिए ये डबल फोल्ड है, अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे हम, तो ये फोर फोल्ड हो जाएगा, तो दोनों स्लीव आ जाएगा इसमें। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मिला के फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पे पहले आधा इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम 6.5 इंच हमारा फिटिंग आएगा और यहाँ पे आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। टोटल हमारा 7.5 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। तो पहले हम यहाँ से लंबाई लेंगे मार्जिन लेते हुए यहाँ से, फिर इसके बाद यहाँ से हम सीधा लाइन खींचेंगे। सीधा लाइन खींचने के बाद में यहाँ से हमें गहराई लेना है। तो यहाँ से हमें गहराई 3 इंच लेना है, और छोटा स्लीव है तो 2.5 इंच ले सकते हैं। तो गहराई हमने 3 इंच लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा मोहड़ी है, यहाँ पे हम मोहड़ी लेंगे, जो हमारा बाजू का मोहड़ी होता है वो है 12 इंच। तो 12 इंच का हमें आधा लेना है, 12 का आधा आएगा 6 इंच। तो इस तरह से टेप रखेंगे मोहड़ी पे और 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया है, और इधर तो हम एक्स्ट्रा लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे बराबर से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, भी आपको कटिंग करना आना चाहिए, ज्वाइंट करना भी आना चाहिए। अगर अस्तर कम पड़े, कपड़ा कम पड़े तो आपको ज्वाइंट करना भी आना चाहिए। तो देखिए इस बच्चे जिस कपड़े को हमने कट किया है उस कपड़े को इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें आधा इंच नीचे वाला और आधा इंच ऊपर वाला एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा इतना सिलाई में आ जाएगा। तो इस तरह ऊपर रख देंगे। अब हम निशान लगाएंगे स्लीव का। तो यहाँ पे देखिए मोहड़ी हम लेंगे 6 इंच। तो देखिए 6 इंच पर हमने निशान लगाया ही है। अब यहाँ पे हमें जहाँ पे हमने 3 इंच की गहराई दी थी वहाँ पे हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है 7 इंच। तो यहाँ मोहड़ी हमने 6 इंच लिया है, तो वहाँ पे हम 7 इंच लेंगे आर्म होल साइड। अब इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 इंच मार्जिन लेंगे, यहाँ पे 2 इंच मार्जिन और यहाँ पे भी 2 इंच मार्जिन। अब इन दोनों को मिलाएंगे, फिर यहाँ से हम सीधा लाइन खींचेंगे। यहाँ से हमें बैक आर्म होल की राउंडिंग शेप देनी है। तो यहाँ से देखिए बैक आर्म होल की यहाँ पे हम शेप देंगे, थोड़ा सा बाहर साइड गोलाई करते हुए इस तरह से हमें शेप दे देना है बैक पार्ट का। अब इसके बाद में हम फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच निशान लगा के ये वाला हमारा गोलाई पे गया था इधर, अब ये वाला यहाँ से सीधे जाएगा ऊपर साइड, फिर यहाँ पे मिला लेना है बैक आर्म होल वाले में। तो इस तरह से देखिए हमारा बैक पार्ट भी हो गया और फ्रंट पार्ट भी, और स्लीव भी हमारी स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसे कट नहीं करेंगे फ्रंट आर्म होल, पहले हम बैक आर्म होल से ही कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे, जब स्लीव हमारा तैयार हो जाएगा ब्लाउज में हमें जब लगाना होगा तब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इससे क्या होता है कि हमें ब्लाउज जो है किसी भी तरफ हम सिल सकते हैं, फिर बाद में एक दूसरे का अपोजिट रख के कट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर रख के। इससे ये होता है कि हमें ध्यान उतना नहीं देना पड़ता है कि फ्रंट है कि बैक है। अगर हम पहले से ही कट कर लेंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा और कभी कभी उल्टा भी जुड़ जाता है। तो ये ज्वाइंट करने वाला देखिए यहाँ पे है, और बाकी बचा हुआ हमने साइड में कर लिया है। अब यहाँ पे हमें देखिए ये हमारा ये फ्रंट पार्ट है, स्लीव हमने कट कर लिया था, ये है बैक पार्ट। अब ये देखिए हमारे अस्तर की कटिंग तो हो चुकी है, अब हम मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक हम इस तरह से खोलेंगे, इसे भी डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमेशा हमें लंबाई में ही डबल फोल्ड करना है। तो ये देखिए इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, और इधर ये जो लेस है ये हमारा अलग से नहीं उसी में है, तो इसे हम निकालेंगे नहीं क्योंकि निकालते ही नहीं बनेगा। अब इसे देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमें पहले बैक पार्ट रखना है। तो यहाँ पे हम ये हमारा बैक फोल्डेड साइड है, तो ये इस साइड हमें बैक पार्ट रखना है। तो जो क्योंकि बैक हमारा ओपन नहीं रहेगा, फ्रंट ओपन रहेगा, तो बैक साइड पहले रखेंगे। अगर फ्रंट बैक ओपन रहता तो पहले हमें फ्रंट रखना होता, क्योंकि यहाँ पे फोल्डेड साइड है तो हमें बैक पार्ट फ्रंट पार्ट ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट ले लिया है, बैक पार्ट को इस तरह से रख लेना है। बैक पार्ट को रखने के बाद में यहाँ पे हम एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। तो ये देखिए कम से कम 1/2 इंच दूरी पर हम इसे कट कर लेंगे,
इस तरह कट करने से क्या होता है कि अगर हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे तो थोड़ा हमारा अस्तर खिसक भी गया तो एडजस्ट हो जाएगा मेन फैब्रिक में, और नीचे का जो रफ है इसे भी कट कर लेंगे जो इधर धागा निकला हुआ है। तो इसे देखिए, ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है, अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो ये बैक पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के लिए देखिए बचे हुए कपड़े को इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम बैक फ्रंट पार्ट रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा खुला साइड है और फ्रंट ओपन भी है, यहाँ पे खुला साइड है। और अगर हमें बैक ओपन करना होता तो पहले हम फ्रंट करते हैं, बैक यहाँ पे रखते हैं। तो ये देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट है ऊपर का और ये नीचे का हमारा बेल्ट है। अब हमें यहाँ पे इसे कट करना है, तो इस तरह से देखिए इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो मेन फैब्रिक है उसे एक्स्ट्रा करते हुए कट कर लेना है। तो इस तरह से सीधे यहाँ हम लंबा करेंगे, यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में इधर भी बेल्ट को तरफ भी एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे। इतना कट करने के बाद में अब हम इसे साइड में करेंगे और इधर भी कट कर लेंगे जो हमारा फोल्डेड साइड है। और ये बचा हुआ जो है ये हमारा हुक पट्टी आई पट्टी में यूज हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें इधर भी आर्मोर साइड भी कट कर लेना है। इतना कट करने के बाद में हम इधर भी कट कर लेंगे, तो ये हमारा ये जो बेल्ट है और ऊपर साइड का है ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है मेन फैब्रिक वाला, इस तरह से देखिए। अब इसके बाद में हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो ये देखिए हमारा ये स्लीव जो है इसी में इसका बॉर्डर है। तो इसे क्या करेंगे, हम इसे फोर फोल्ड करेंगे इस तरह से, देखिए पहले डबल फोल्ड हो गया, फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे तो फोर फोल्ड हो जाएगा। फोर फोल्ड करने के बाद में इसे हमने जो अस्तर कट किया है स्लीव का उसे रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे देखिए ये भी हमारा कम पड़ रहा है, तो इसे भी हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा अस्तर है ज्वाइंट करने के लिए हमने कट किया है, उसके कट करने के उसे रखने के बाद में देखिए इतना बच रहा है, तो इतना हमें भी मेन फैब्रिक भी ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए इतना हमने इस तरह से कट कर लिया है, और इधर भी फोल्ड है तो इसे भी कट कर लेंगे। अब इसे कट करने के बाद में इसे हमें ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे देखिए कट करेंगे हम इस तरह से, ये देखिए हमें इस तरह से इतना कट कर लेना है। कट करने के बाद में इस तरह से हम रखेंगे और इधर से भी कट कर लेंगे, इतना हमें ज्वाइंट करना है। ये चार ठो है और चार फोल्ड वो भी है, तो ये भी ज्वाइंट हो जाएगा, और ये जो हमारा अस्तर है ये भी ज्वाइंट वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए ये स्लीव है, अब इसके बाद में ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के बाद देखिए हमारा ये बैक पार्ट है। तो हमारा जो ब्लाउज है 36 साइज बेल्ट ब्लाउज वो कटिंग हो चुका है, इसका स्टिचिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इस वीडियो में सिलाई नहीं बताया है, अब अगले वीडियो में इसका सिलाई बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।